कैसे हो सब लोग। माई सेल्फ चेतन, वेलकम बैक टू मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन स्टडी चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, जो हमने सीरीज शुरू की हुई है अपने जो क्वेश्चंस की, ठीक है, तो एनिमल किंगडम में हमने थोड़े से क्वेश्चन पहले किए थे, थोड़े से क्वेश्चन अब हम आज करने वाले हैं। तो पहले की भांति कॉपी पेन उठाइए और बैठ जाइए, फालतू तो कोई बात नहीं करनी है हमको। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंपेयर्ड टू दोज ऑफ ह्यूमन द इरिथ्रोसाइट ऑफ फ्रॉग इन फ्रॉग आर, बताइए। ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था, तो बताइए। कंपेयर्ड विद दोज ऑफ ह्यूमन द आरबीसी इन फ्रॉग आर, तो इसका आंसर वो है बी है, न्यूक्लिएटेड विद हीमोग्लोबिन। तो जो कि फ्रॉग होता है उसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। 142वां क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच ऑफ द फर वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू करेक्टर एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड वेयर एज द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट। तो ए बी सी डी में से बताना आपको। तो इसका आंसर ए है, पाइला। पाइला में जो होती है बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, रेडुला जरूर होता है लेकिन उसमें बॉडी सेगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो 143 का देखते हैं, 143 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट दैम, बताइए। 143 का बताइए। तो इसका आंसर वो है, बताइए, पहले आप बताइए। तो और ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ, दो ऑप्शन रह गए थे, तो इसका आंसर वो है, दो ऑप्शन और देख लीजिए, शायद आपको पता हो। तो इसका आंसर वो है डी है, सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश, जो कि कोल्ड ब्लड यानी कि पोइकुलोथर्म है। तो 144 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विद नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट, किसी में कोई सी भी एक्सेप्शन नहीं है, तो बताइए। तो इसका आंसर वो है बी है, ऑल बोनी फिशेज हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स एंड ओपरक्यूलम, जितने भी बोनी फिशेज होती है सभी में ओपरक्यूलम पाया जाता है, ठीक है, गिल कवर बोलते हैं जिसको। तो बताइए 145वां क्वेश्चन, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू बोथ ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग, इसमें आपको डिफरेंस नहीं बताना, इसमें कॉमन बताना आपको, ठीक। तो इसका आंसर वो है डी है, यूरियोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन है, ह्यूमन में भी यूरिया सिक्रीट करता है ह्यूमन भी और फ्रॉग भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, तो इसका आंसर वो है ए है, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सी सी फ्लाई और सिल्वर फिश, जो कि एक फिश नहीं है, वो इंसेक्टा ग्रुप का मतलब कि हिस्सा है। तो ये इंसेक्टा क्लास का मतलब कि वो है, क्लास से बिलोंग करते हैं सभी। 147 देखते हैं, विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू सेम फाइलम, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल है जो कि सेम फाइलम है, जिसका सेम फाइलम है वो है। तो इसका आंसर वो है ए है, प्रांस, स्कॉर्पियम और लोकस्टा का फाइलम सेम ही है, अर्थ्रोपोडा, ठीक है। 148 क्वेश्चन देखते हैं, मैच द नेम ऑफ एनिमल विद वन करेक्टरिस्टिक एंड फाइलम क्लास टू विच द इट्स बिलोंग, तो 148 का आंसर वो है सी है, पटेरोमाइजोन, ठीक है, एक्टोपैरासाइट है पटेरोमाइजन और साइक्लोस्टोमेटा से ये मतलब कि ये बिलोंग करती है। 149 क्वेश्चन देखते हैं, तो 149, आउट वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, आर्थ्रोपोडा का इनमें से कौन सी रिप्रेजेंटेटिव है, ये क्वेश्चन 2 मिनट पहले ही रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा 149 का। तो इसका आंसर वो है डी है, सिल्वर फिश, जो कि एक्चुअली में एक फिश नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है। 150 क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट ए टैक्सोन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज, बताइए। तो इसका आंसर वो है डी है, निडेरिया आएगा इसका आंसर। 151 का देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक्स ए सेल वॉल, इनमें से किस में सेल वॉल कम्प्लीटली लैक होती है, तो इसका आंसर वो है बी है, सी फैन, यानी कि 151 का जो है एनिमल, जो कि एनिमल है, सी फैन तो एक एनिमल है, तो उसमें तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं, तो इसका आंसर वो है बी है, ठीक। तो 152 देखते हैं, प्लानेरिया पोसिस हाई कैपेसिटी ऑफ, तो इसका आंसर तो सबको ही पता होगा, तो इसका आंसर बी है, हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होती है प्लेनेरिया में। ए मैराइन कार्टिलेजनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाली कौन सी मैराइन कार्टिलेजनस फिश है, तो बताइए। 153 का, तो 153 का जो है बी है आंसर, है टोरपीडो है, ठीक है। 154 का देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन डज शो विविपिरिटी, किसमें विविपिरिटी पाई जाती है, तो बताइए विविपिरिटी किसमें पाई जाती है, तो ट्रैकेल स्पाइरेलिस में, जो कि विविपिरिटी पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपेरस, इनमें से कौन सा विविपेरस नहीं है, 156 का देखिए, इनमें से कौन सा विविपेरस नहीं है, तो प्लैटिपस है जो कि विविपेरस नहीं है, ओविपेरस है वो, ठीक। तो
157 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड। इंसेक्ट का डाइवर्सिफिकेशन लैंड पे इतना ज़्यादा क्यों हुआ है, क्या उनका वो है, क्या मेन कारण है? तो इनका मेन कारण है देयर एग्जोस्केल्टन, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जोस्केल्टन होता है उनके ऊपर, काइटेनियस एग्जोस्केल्टन होता है उनके ऊपर का। ठीक है, तो 158 का देखते हैं, बॉडी हैविंग मैस वर्क ऑफ सेल, इंटरनल कैविटी लाइंड विद फूड फ्लेटरिंग फ्लैजिलेटेड सेल, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बताइए 158 का बताइए। तो 158 का आंसर वो है डी है, पोरीफेरा। 159 देखते हैं, मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, मेटाजेनेसिस क्या रेफर करता है, तो बताइए मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेसिज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो 159 भी हो गया। 160 क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, तो 160 क्वेश्चन देखते हैं, 160 क्वेश्चन, एक मिनट, 160 क्वेश्चन देखते हैं। ए जालस फिश विच लेज एग इन फ्रेश वाटर एंड वूज एमोसिट लार्वा आर मेटामोरफोसिस रिटर्न्स टू ओशियन इज, तो इसका आंसर वो है बी है, पटेरोमाइजोन है, जो कि साइक्लोस्टोमेटा का एक ही एग्जाम्पल है। 161 का देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाई बर्ड एंड मैमल, बताइए बर्ड और मैमल के कौन सा करैक्टर है जो कि शेयर नहीं करते हैं दोनों। तो इसका आंसर वो है ए है विविपेरिटी, बर्ड ओविपेरस होते हैं, मैमल जनरली मैमल क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। 162 का देखते हैं हम, 162 का, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल, तो 162 का देखिए, तो इसका आंसर ये है कार्टिलेजिनस एग्जोस्केल्टन, जो कि कॉन्ड्रिक्थस में, मतलब कि ठीक है, मतलब इसका कॉन्ड्रिक्थस में होता है वो कार्टिलेजेशन का, कॉन्ड्री का मतलब ही कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो 163 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, इनमें से कौन सा फीचर है जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में प्रेजेंट नहीं है, तो बताइए। तो इसका आंसर वो है आर्थ्रोपोडा में पैरापोडिया नहीं होता है, ठीक है, वो एनलीडा का वो है मतलब कि, तो इसका आंसर ये है पैरापोडिया एनलीडा में पाए जाते हैं। 164 का देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो इसका आंसर वो है बी है, ऑल साइक्लोस्टोम डो नॉट पोसिस जा एंड पेरिड फिन्स, ठीक है, साइक्लोस्टोम्स तो जोलस होते हैं यार, सबको बताइए। 165 का देखते हैं, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट इज, बताइए। तो इसका आंसर वो है बी है, फेनिक्स विद गिल स्लिट्स, जो कि हेमिकॉर्डेट शेयर करते हैं कॉर्डेट के साथ। तो 166 का देखते हैं, विच वन अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स, बताइए एक्वेटिक मैमल के करेक्ट कॉम्बिनेशन को। तो इसका आंसर वो है बी है, व्हेल डॉल्फिन और सील है, जो कि एक्वेटिक मैमल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का ऑर्डर बताइए क्या है, तो इसका आंसर वो है एक है ए है पेरिसो डैक्टाइला, जो कि हॉर्स का जो ऑर्डर है। इन केस ऑफ पोरीफेरा द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद डैश, मतलब कि किन कौन सी फ्लैजिलेटेड सेल होती है, उन फ्लैजिलेटेड सेल को क्या बोलते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर वो है बी है, कोइनोसाइट्स। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ शेयर करे, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कंसेप्ट बूस्ट हुए होंगे, आपको पता चला होगा आपने कितना पढ़ा है। और जो ये क्वेश्चन है पिछले साल 2-3 सालों के रिपीट हुए क्वेश्चन है नीट में और बीबीएससी में, तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नीट के क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो 90% क्वेश्चन आते हैं जो बीबीएससी में, वे नीट के ही आते हैं। ठीक, तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और पिछले जो एनिमल किंगडम के जो क्वेश्चन है उसका लेक्चर नंबर 1 भी, मतलब 2 पार्टों में मैंने किया है, ये छोटी छोटी वीडियो बना के, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तब वहाँ पर आकर आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, ऐसे हमको सपोर्ट करते रहिए, कोचिंग फ्री इंडिया को सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू।